हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं शेखर और आज मैं आपके सामने साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है दो नंबर वाला है, तो एग्जाम में आने की संभावना है। इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर वन हमारा कहता है, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रकाश का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ओके, यहां तक पहले समझो। पहले नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यानी कि पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, यानी कि उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें रेडियोस्क्री तत्व, यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्मित होते हैं। तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब देखिए डियर, ये क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्ट भी दे सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, आप दे सकते हैं आंसर। लेकिन अगर आप एग्जाम में कुछ थोड़ा सा लॉन्ग लिखोगे ना, तो टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो आपकी राइटिंग, मेन बात आपकी हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए, और आपकी राइटिंग और प्लस जो ज्यादा लिख करके आएंगे उससे थोड़ा प्रभावित होकर के आपका मार्क्स पूरा मिल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा करके और भी लाइन लिख लें। तो यहां तक समझे ना कि नाभिकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया यूज होता है, जो प्रक्रिया को हम उपयोग करते हैं या उपयोग करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कौन कौन है, रेडियोस्क्रिय है और भी है तत्व, यूरेनियम है। ये रेडियोस्क्रिय तत्व यूरेनियम, प्लूटोनियम है और थोरियम जैसे और भी भारी परमाणु है निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा जो बम वर्मित होते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं, जो इसका उपयोग जो प्रक्रिया में उपयोग होते हैं आते हैं, यही सब मिल करके जो है क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। ठीक है, अब पहले देख लो, पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्मित होते हैं और तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। जब ये इसका उपयोग करते हैं तो ये जब बम वर्मित होते हैं इसमें जब क्रिया करते हैं तो ये क्या होता है कि हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है। ठीक है, जब टूटते हैं तो ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है और यही अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? इसी बात पे एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया आपके लिए, तो इसको गौर से समझना और थोड़ा मैं कैमरा को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, लो और थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू हम मेरा क्या कह रहा, पहले पढ़ लो इसको। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया नडियर तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि और भी वीडियो लाने में थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस, अवतल लेंस को। पहले पढ़िए, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है, ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की समांतर किरण, जानते हैं ना समांतर यानी कि पूरे समांतर में बराबर में चल रहा हो, और जब समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती चली जाती है। अब यहां तक पहले समझो क्या होता है कि जब समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो ये फिर अपवर्तन होता है। जैसे ही अवतल लेंस पर ये समांतर किरणें आपतित होती है, प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है, तो ये लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता है कि लेंस से जैसी होती आपतित होती है फिर वापस अपवर्तन हो जाती है। ठीक है, और जैसी अपवर्तन होती है तो ये समांतर किरणें जो है आपस में एक दूसरे से फैलती चली जाती है, अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसारित करता है। मतलब कि जितने भी लेंस आती है इन किरणों को क्या करता है, अपसारित कर देता है, यानी कि एक दूसरे को फैला देती है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सिंपल है, जब अवतल लेंस में आपतित होती है समांतर किरणें तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से फैलती चली जाती है और इसी यानी कि इसी लेंस किरणों को अपसारी लेंस अपसारित कहते हैं या अपसारित करता है, और इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीन कहता है जो बहुत छोटा है,
ओके अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दो नंबर का सवाल है, पहले इसको पढ़िए, एकदम इजी है, इसको याद कर लेना ठीक है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण जिसमें होगा उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है, इतना याद रखिए, अवक्षेप का निर्माण जिसमें होगा उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 4, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, श्वसन एवं दहन में अंतर बताएं। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, तो अंतर वाला एग्जाम में आता है। बायोलॉजी से भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन अंतर, ठीक है, तो आप गौर से देखो, ये भी बायोलॉजी का सवाल आपके सामने है। श्वसन, अब इसका उत्तर कहता है श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, एक तरफ श्वसन है और दूसरी तरफ दहन है। अब इनके बारे में ये देखो, सीरियसली अगर आए तो ये क्वेश्चन दो नंबर में आएगा, और जब भी दो नंबर में आए तो श्वसन और दहन के बारे में दो या तीन बातें भी लिख देंगे ना तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके लिए चार पॉइंट लाए हैं, इनमें से अगर आप चारों याद कर लीजिएगा तो और भी अच्छा है, नहीं तो मिनिमम तीन को याद करके अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन तो तीन जरूर लिख देना, दो मत लिखना वरना आपको मार्क्स कट सकता है। तो तीन लिखिएगा और मेरा जो समक्ष है, मेरा जो कहना है, तो आप चारों लिखो तो बेहतर होगा। सबसे पहले श्वसन का अंतर देख लेते हैं। श्वसन में जो पहला अंतर कहता है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, ये क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। और अगर हम दहन की बात करें तो ये एक अजैविक क्रिया है, यानी कि ये जैव है तो ये अजैविक है, अजैव इसको कह सकते हैं, या यह एक अजैविक क्रिया है और यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। ओके, जैव रासायनिक अजैविक क्रिया। अब दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर कहते हैं इनमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में जो है पदार्थ की जो गति होती है वो धीमी होती है, ठीक है, धीमी गति में ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन होता है। अब इसमें दहन में क्या कहता है कि इनमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन, पदार्थों का ऑक्सीजन इसमें धीमी गति से होती है, इसमें पदार्थों का ऑक्सीजन तीव्र गति बोले तो तेज गति से, फास्ट। क्लियर है ना, इसमें धीमी से, इसमें फास्ट से, यानी कि इसमें तेजी से, तीव्रता से, तीव्र से। तीसरा अंतर कहता हमारा, इसमें कहता है कि इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, और दहन में जो अंतर है कि इसमें जो है ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। सिंपल है, देखो एक बार फिर से करता हूं, ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये आज एक यह ये जो है ना एक अजैविक क्रिया है, ये पदार्थ का ऑक्सीजन धीमी गति से करता है, यानी कि इसमें धीमी गति से होता है, इसमें पदार्थ का ऑक्सीजन तीव्र गति से होता है, इसमें क्या होता है कि ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, ये जो है ना ये जो श्वसन है ये ऊष्मा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करता है, उत्पत्ति बोले तो पैदा नहीं करता है, और दहन क्या करता है कि ये जो है ना ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति करता है, ठीक है। इसमें अब चौथा अंतर कहता है कि यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। इसमें जो है ना इसमें एक नियंत्रण बना रहता है कि नियंत्रित क्रिया है, उसके बाद फिर नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा क्रिया है। मान लो कि इसमें जो भी क्रिया यूज होगा श्वसन में तो ये एक नियंत्रित रहेगा और कम ताप पर रहेगा, कम ताप पर। और वही अगर दहन की बात करें तो यह एक अनियमित है जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये खत्म ही नहीं हो सकता, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है, ये उच्च पे होती है और अनियमित भी होती है, ये कम ताप पर होती है, नियंत्रित भी होती है, ठीक है। तो अंतर बहुत है ना अंतर, ओके क्लियर। अंतर आपको देने में एकदम दिक्कत मत करना, जो आए अंतर दे देना। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना है, एक बार फिर से गुजारिश करता हूं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उसको याद करने की कोशिश करो, कॉपी में नोट करने की कोशिश करो, और हाँ वीडियो को लाइक करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होती है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समन्वय जो है ना पादप में किस प्रकार होती है।
अब इसका उत्तर कहता है, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। क्लियर है ना, पादपों में जो रासायनिक समीकरण समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय होता है वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसके द्वारा पादपों में रासायनिक समन्वय होता है, तो पादप हार्मोन के द्वारा होता है। ओके, अब यहां से जो पढ़ेंगे हम लोग, पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं, पादपों में परोह प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है, गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। अब एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होती है? तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करती है, इसमें जो है ना पादप जो है इसमें पादप विशिष्ट हार्मोनों को पैदा करती है, उत्पन्न करती है। पादपों में परोह प्रकाश के आने की दिशा की ओर, मतलब जो पादपों में प्रकाश आती है उस दिशा, मतलब आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है। जिस दिशा में प्रकाश आएगी उसी दिशा में वो जो है ना, मतलब कि उसी दिशा की ओर बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। अब गुरुत्वानुकर्षण क्या कहता है, जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर उनकी अनुक्रिया करता है। तो ये क्रिया है पादपों में रासायनिक समन्वय का, यही क्रिया है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब यहां तक हमारा इस वीडियो में पांच ही, उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप छाप देने, इसको याद करने की कोशिश करो, समझना है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो। ओके, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल।